जब हम अपने शरीर की तरफ ध्यान देते हैं तो अक्सर अपने मरीजों को सलाह देते हैं कि आप नख से सिर तक स्वस्थ रहें। नख से सिर तक स्वस्थ रखने में एक मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है नख, यानी कि हमारे नाखून, जिसको हम बहुत ही इजीली से और सभी लोग इग्नोर करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि नाखूनों में क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, उनमें लाइनें जैसी आ जाती हैं या फिर वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं और या नाखून आधे आधे कट के झड़ने लगते हैं। इसका सीधा सा कारण है कि या तो वहाँ कोई फंगल इन्फेक्शन है या आप में कैल्शियम की बहुत कमी है या आप विटामिन सी और विटामिन B12 की कमी से आप जूझ रहे हैं। तो आपको सलाह दी जाती है कि अगर आप अपने शरीर की हेल्थ को जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने नाखूनों को देखिए। अगर वो गुलाबी आभा लिए हुए स्वस्थ चमकदार हैं तो इसका मतलब है कि आप स्वस्थ हैं, आप में खून की कमी नहीं है, आप में कैल्शियम और विटामिन की कमी नहीं है। लेकिन अगर आपके नाखून गुलाबी आभा लिए हुए चमकदार नहीं हैं, क्रैक होते हैं, फटते हैं, कटते हैं और उनके ऊपर वाइट स्पॉट्स हैं, तो आप जान जाइए कि आपका शरीर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कमी से जूझ रहा है। अपने नाखूनों की तरफ भी पूरा ध्यान दीजिए। आप इन पे ऑलिव ऑयल की मसाज कर सकते हैं, अपनी डाइट में कैल्शियम को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी डाइट में कैल्शियम का समावेश कर सकते हैं। अगर हम आयुर्वेदिक कैल्शियम की बात करते हैं तो हम परवाल भस्म या परवाल पिष्टी को सजेस्ट करते हैं। आप मलाई के साथ, दूध के साथ, शहद के साथ दो पिंच, दो चुटकी यानी कि 250 मिलीग्राम की डोज में परवाल का सेवन करते हैं तो आपकी कैल्शियम की लेवल की मात्रा बहुत हद तक पूरी हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप लोहा असव और द्राक्षारिष्टम का सेवन करते हैं तो बहुत सारे जो विटामिन हैं उनकी कमी पूरी होती है, साथ में आयरन के लेवल की भी कम्प्लीट कमी पूरी होती है, तो आपके नाखून नॉर्मली गुलाबी आभा लिए हुए सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके नाखूनों में इन्फेक्शन है और उसकी वजह से आपको इस तरीके की दिक्कत का सामना होना पड़ रहा है, तो आप तुलसी और नीम के पानी को अच्छे से उबालें और उस पानी में 20 से 25 मिनट तक अपने नाखूनों को डिप करके रखें, उसके बाद ऑलिव ऑयल से उनकी मसाज करें तो आप स्वस्थ नाखून पा सकती हैं। इसके अलावा एक और सजेशन देना चाहूँगी, अगर आपके नाखूनों की रंगत में किसी तरह का बदलाव आ रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए और समझिए कि आपका शरीर इंडिकेट कर रहा है किसी सीरियस बीमारी की तरफ, और वो बीमारी कैंसर भी हो सकती है। हमेशा अपने नाखूनों की ठीक से जांच ज़रूर करते रहें स्वयं, और किसी तरह की दिक्कत को महसूस करें तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और आयुर्वेद को अपना के स्वस्थ ज़िंदगी बिताएं।